वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल डियर बाल क्लासेस बाय बाला सर। मैं अनुपम सर, आपका अपने चैनल डियर बाल क्लासेस स्वागत करता हूँ। तो क्लास में सभी का स्वागत है और फटाफट सभी लोग को बुला लीजिए, जितने भी लोग हैं फटाफट सभी लोग को शेयर कर दीजिए, क्लास आपके लगा दिए हैं। अभी भी जितने लोग ये सोच में हैं कि 24 तारीख से पेपर है या नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि पेपर 24 मार्च से ही है और आप तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि पेपर अखबार हिंदुस्तान न्यूज़पेपर द टाइम्स ऑफ इंडिया सभी जगह आ गया है, और सभी जगह आने का मतलब वो गलत नहीं है। तो ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ कक्षा 11, 12, 10, ठीक है, सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे 10 और 12 वाले, और पूरी तैयारी करेंगे। और बहुत बढ़िया ये वीडियो है, इस वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो आपके कई क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्योंकि मैं इसको समझाने जा रहा हूँ, पूरा एक्सप्लेन करूँगा, एक एक पॉइंट का एक्सप्लेन करूँगा। तो पूरी वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखें, क्या पता यही क्वेश्चन आपके पेपर में इंपॉर्टेंट हो, ऐसा ना रह जाए कि काश हम पूरा देख लिए होते। तो प्लीज़, वीडियो बहुत बड़ी नहीं रहती है, 12 से 15 मिनट की वीडियो रहती है। वीडियो ग्रुप में पड़ी हुई है, जो बच्चे कमजोर हैं जिनको डर लग रहा है चालू कर दे देखना, जब आप देखेंगे तभी आपको कुछ मिलेगा, बिना देखे कुछ नहीं मिलेगा। ये सोचो कि बैठे बैठे मुझे सब कुछ आ जाए तो ये नहीं आएगा। प्लीज़, अगर आप नहीं पढ़ सकते तो आप वीडियो को देख करके पूरा पूरा क्या करिए, तैयार करिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को, और आपके पास टॉपिक खुल चुका है, टॉपिक देख चुके हैं। यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर लिखा है माई फेवरेट बुक। क्या लिखा गया है, माई फेवरेट बुक मतलब मेरा पसंदीदा किताब, और दूसरा लिखा गया है द बुक यू लाइक मोस्ट, ठीक है, दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे साफ साफ छपा हुआ है कि किस किस सन में आया है, और यहाँ पे भी साफ साफ छपा हुआ है किस किस सन में आया है, ठीक है ना। तो प्लीज़, आपको मैं बता दूँ, ये 11, 12 और 10 दोनों का छपा हुआ है, कैसे क्या आया है। तो प्लीज़ आप लोग पूरा तैयारी करेंगे, आप लोग पूरा क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। अच्छा, यहाँ पर क्या दिया गया आपका, यहाँ पर दिया गया हिंट्स। हिंट्स में सबसे पहला हिंट्स क्या दिया है, नेम ऑफ द बुक एंड द ऑथर, ठीक है ना, बुक का नेम लिखना है, उसके ऑथर का नेम लिखना है। थीम ऑफ द बुक एंड डिस्क्रिप्शन, थीम ऑफ द बुक, थीम मतलब होता है विषय, और डिस्क्रिप्शन मतलब होता है विवरण, क्या होता है, विवरण, ठीक है। इट्स लैंग्वेज एंड स्टाइल, उसकी भाषाएं और उसका रूप, स्टाइल मतलब होता है रूप, ठीक है ना, कैसा रूप है उसका, ठीक है। रीजन्स फॉर लाइकिंग इट, रीजन्स मतलब कारण फॉर लाइकिंग इट, इसे पसंद करने का कारण। और कॉन्क्लूजन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, मतलब इसका मतलब होता है उपसंहार, उपसंहार, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है, कोई भी बुक आएगा, माई इंग्लिश बुक, ये कुछ भी आएगा, तो ऐसे करके इसी पर आपको लिखना है। तो इसको देख लेंगे, इसी बेसिस पे आप कई ऐसे बना करके लिख सकते हैं, प्लीज़, ठीक है। तो वीडियोज को पूरा देखें, और लोगों को शेयर करें, और लोगों को बढ़ाइए, पहले शेयर करिए फटाफट सभी लोग को, और लोगों को बुलाइए, प्लीज़, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है, प्लीज़ और लोगों को शेयर करिए, और लोगों को बुलाइए, फटाफट बुलाइए आप लोग, चलिए ठीक है। आप लोग लाइव तैयार रहा करें जितने भी बजे, इसीलिए मैं पहले मैसेज कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे चलें, जितने भी लोग हैं स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज़, स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज़, चलिए आगे चलेंगे, ठीक है। एक एक हेडिंग, सबसे पहला हेडिंग यहाँ पे मैंने लिया है, ठीक है। सबसे पहली हेडिंग में क्या लिखा गया है, सबसे पहली हेडिंग, नेम ऑफ द बुक एंड द ऑथर, मतलब बुक का नाम एंड द ऑथर, मतलब उसके लेखक का नाम, क्या दिया गया है। सबसे पहले एक एक लाइन मेरे साथ तैयार करते चलें, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, आई मीन्स हु, फॉन्ड ऑफ मतलब होता शौकीन, रीडिंग बुक्स, मैं किताब पढ़ने का शौकीन हूँ, मैं किताब पढ़ने का क्या हूँ, शौकीन हूँ। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, पहला हो गया। रीडिंग बुक्स इज माई हॉबी, रीडिंग बुक्स, किताब पढ़ना इज माई हॉबी, मेरा क्या है, शौक है, मेरा क्या है, शौक है। तो किताबों को पढ़ना, रीडिंग बुक्स, किताबों को पढ़ना इज माई हॉबी, मेरा क्या है, शौक है। आई हैव रीड सो मैनी बुक्स, आई मीन्स मैंने, हैव रीड सो मैनी बुक्स, मैंने कई किताबें पढ़ी, द रामचरित मानस इज वन ऑफ देम, उनमें से एक कौन सा है, रामचरित मानस है। आई लाइक इट मच, आई मीन्स मैं लाइक इट से पसंद करता हूँ, मच बहुत अधिक, मैं इसे बहुत अधिक पसंद करता हूँ। आई रीड इट अगैन एंड अगैन, आई मीन्स मैं रीड इट, इसे पढ़ता हूँ अगैन एंड अगैन, बार बार, मैं इसे बार बार पढ़ता हूँ, मैं इसे क्या करता हूँ, बार बार पढ़ता हूँ। इट्स ऑथर इज गोस्वामी तुलसीदास, इट्स मतलब इसके ऑथर मतलब लेखक, इज गोस्वामी तुलसीदास, इनके लेखक जो हैं वो गोस्वामी तुलसीदास हैं, इनके लेखक जो हैं वो गोस्वामी तुलसीदास हैं। ही वाज ए फेमस पोएट, वह एक प्रसिद्ध कवि हैं, वह क्या है, प्रसिद्ध कवि हैं। इतनी लाइन तैयार हो गई, अब आपके मन में जो लाइन्स हैं उनको जोड़ करके आप इसको और बढ़ा करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो मज़ा आया सभी को, इतना पहला वाला सबको क्लियर है, सभी लोग को क्लियर है, 12 वाले 10 वाले सभी को क्लियर है, प्लीज़ 12 वाले भी आ जाएं, जितने भी लोग दूर दूर भाग रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, एक बार वीडियोज़ को देख लें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा,
ठीक है, बहुत कुछ सीखने, जो देख रहे हैं ना उनका बहुत कुछ सीखने, उनको बहुत कुछ मिल रहा है। तो प्लीज़ जो छोड़ के जा रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं उन्हें बहुत कुछ मिल रहा है, बहुत कुछ सीखेंगे और देखना पेपर में अच्छा करेंगे। ठीक है, जाइए, अभी मैं बोल रहा हूँ ना, लेकिन लौट कर आओगे तब पछताओगे। चलो ठीक है, चलिए स्क्रीन शॉट लीजिए, चलिए बहुत अच्छा, वेरी नाइस। चलिए हम चलते हैं सेकेंड तरफ। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है, सेकेंड यहाँ पे दिया गया, सेकेंड हेडिंग है थीम ऑफ द बुक। इसके थीम के बारे में बात किया गया, थीम ऑफ द बुक और डिस्क्रिप्शन। मैंने बताया था थीम ऑफ द बुक मतलब इस किताब का विषय और डिस्क्रिप्शन मतलब जानते ही हो, विवरण। तो यहाँ पे क्या लिखा है, दियर इज विविड स्टोरी ऑफ लॉर्ड राम हु वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ दशरथ। दियर इज ए विविड स्टोरी, दियर मीन्स यहाँ या इसमें, इज है विविड स्टोरी, विविड विविड मतलब होता है विविध, ढेर सारी स्टोरी मतलब कहानी ऑफ लॉर्ड राम, ठीक है, भगवान राम की। हु वाज द एल्डेस्ट, हु मीन्स जो, वाज मीन्स थे, द एल्डेस्ट सेंस सबसे बड़े पुत्र ऑफ दशरथ, जो कि राजा दशरथ के सबसे बड़े क्या थे, पुत्र थे। ठीक है, यहाँ पर भगवान राम के बारे में बहुत कहानियाँ लिखी गई हैं, ठीक है, अधिक कहानियाँ हैं जो कि दशरथ के बहुत बड़े, दशरथ के बड़े क्या थे, पुत्र थे, कोई दिक्कत नहीं है। दशरथ वाज द फेमस किंग ऑफ अयोध्या, दशरथ वाज मीन्स थे, द फेमस किंग प्रसिद्ध राजा ऑफ अयोध्या, दशरथ अयोध्या के प्रसिद्ध राजा थे। राम वाज सेट इनटू फॉरेस्ट फॉर 14 ईयर्स, राम वाज सेट इनटू, सेट इनटू मतलब राम को भेज दिया गया था फॉरेस्ट वनवास फॉर 14 ईयर्स, 14 साल के लिए भगवान राम को वनवास हुआ था। सीता हु वाज हिज वाइफ, सीता हु मीन्स जो, वाज मीन्स थी हिज वाइफ, सीता जो उनकी पत्नी थी, आल्सो वेंट टू द फॉरेस्ट, वो भी उनके साथ कहाँ गई थी, वनवास गई थी या जंगल गई थी। हिज ब्रदर लक्ष्मण, उनका भाई लक्ष्मण वाज विथ हिम, वो भी उनके साथ ही था, वह भी उनके क्या था, साथ था। इन द फॉरेस्ट, जंगल में सीता वाज कैरिड आउट फोर्सिवली बाई रावण, ठीक ना, सीता वाज कैरिड आउट, कैरिड ऑफ, सीता चुरा ली गई, चुराई गई फोर्सिवली, फोर्सिवली मतलब होता है जबरदस्ती, जो फोर्स से होता है ना, ठीक है ना, बाई रावण, रावण के द्वारा, ठीक है ना, धूर्तबाजी या चालाकी से रावण के द्वारा सीता को क्या कर दिया गया, चोरी किया गया, सीता का हरण किया गया, कैरिड ऑफ मतलब हरण करना, ले जाना। द किंग ऑफ लंका, जो किसका राजा था, जो लंका का राजा था, राम किल्ड रावण, राम ने रावण को क्या किया, मार दिया, वध किया। एंड कैम बैक टू अयोध्या आफ्टर 14 ईयर्स, और 14 साल के बाद वो अयोध्या वापस आए, 14 साल के बाद वो अयोध्या वापस आए। तो कैसा लगा, मजा आया के, मजा आया, ये पूरी पॉइंट्स क्लियर है, दूसरी हेडिंग क्लियर है, प्लीज़ स्क्रीनशॉट करिए, प्लीज़ स्क्रीनशॉट करिए, मैंने जो समझाया मजा आया, ये जो समझ रहे हैं एक बार वीडियो जो और चलाएंगे ना, पक्का पूरा पूरा तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए आपको निकलते हैं थर्ड, थर्ड एनी क्या दिया है, इट्स लैंग्वेज एंड स्टाइल, उसकी भाषा और उसका रूप, उसकी भाषा और उसका रूप। तो बहुत बढ़िया है, यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है, द रामचरित मानस इज एन इपिक, इपिक मतलब होता है महाकाव्य, इपिक मतलब क्या होता है, महाकाव्य होता है। तो रामचरित मानस जो है वो एक क्या है, महाकाव्य है। इट इज़ रिटन इन हिंदी, ये किस में लिखा गया, ये हिंदी में लिखा गया है, और संस्कृत इज आल्सो यूज्ड इन इट, और इसमें किसका उपयोग यूज किया गया है, इसमें संस्कृत का यूज किया गया है। इट इज इन वर्स, वर्स मतलब होता पद्य, इट इज इन वर्स, इसमें पद्य भी है, इसमें क्या है, यह पद्य भी है, ठीक है। तुलसीदास, वर्ष मतलब होता पद्य होता है, छंद होता है, वर्ष मतलब कुल भी होता है, ठीक है ना, वर्ष मतलब कवि या छंद या पद्य होता है। तो इट इज इन वर्ष मतलब इसमें छंद भी है, इसमें क्या है, छंद भी है। तुलसीदास हैज रिटन सो मेनी बुक्स, तुलसीदास ने ढेर सारी किताबें, सो मेनी बुक्स ढेर सारी, ऑल द बुक्स आर रिटन इन अवधि, ऑल द बुक्स सभी किताबें आर रिटन इन अवधि, किसमें लिखा है, अवधि में लिखा है। सो इसलिए द रामचरित मानस इज आल्सो इन अवधि, इसलिए रामचरित मानस भी किसमें है, अवधि में है, इसलिए रामचरित मानस भी किसमें है, अवधि में है। प्लीज क्लियर है, चलिए आगे चलेंगे, यहाँ पे आगे चलेंगे। रीजन फॉर लाइकिंग इट, बहुत बढ़िया हेडिंग है, यहाँ पे क्या दिया गया है, रीजन फॉर लाइकिंग इट, इसे पसंद करने का कारण, ठीक है, तो बहुत बढ़िया, ध्यान समझिए। I like the book very much, मैं इस किताब को बहुत अधिक पसंद करता हूँ। I like the book very much, मैं इस किताब को बहुत अधिक पसंद करता हूँ। इट लैंग्वेज इज म्यूजिकल एंड सिंपल, इसकी भाषा इज म्यूजिकल, संगीतमय एंड सिंपल, और क्या है, साधारण है, संगीतमय और क्या है, साधारण। इट इज़ फुल ऑफ विजडम, इसमें क्या भरा हुआ, फुल ऑफ विजडम, इसमें सारी बुद्धिमानी की बात भरी, इट इज़ फुल ऑफ विजडम, या बुद्धिमानों की बात से भरा हुआ, या इसमें बुद्धि भरा हुआ, या इससे ज्ञान, ज्ञानवर्धक बातें हैं।
इट इज, इट मीन्स या इज मीन्स है ए स्टोर हाउस, ठीक ना, एक स्टोर हाउस है ऑफ आइडियल्स या आदर्शों का एक स्टोर हाउस है, ये आदर्शों का क्या है एक संग्रह घर है, ठीक है, विच हैव वर्दी टू बी फॉलोड, जिसका हमें क्या करना चाहिए अनुसरण करना चाहिए, अनुसरण करने योग्य बनाना चाहिए। बिफोर अस, इससे हमें, इट प्रेजेंट, इस प्रेजेंट ए पिक्चर ऑफ एन आइडियल सोसाइटी, इट मतलब यह प्रेजेंट देती है ए पिक्चर, एक दृश्य ऑफ एन आइडियल सोसाइटी, एक आदर्श बनने का या एक आदर्श समाज का मुझे एक ये दृश्य प्रदान करती है। इट पॉइंट्स आउट दैट द इविल इज पनिश्ड, ठीक है ना, इट पॉइंट्स आउट दैट, इससे पता चलता है द इविल इज पनिश्ड, बुराई की हार होती है, एंड द गुड इज, और अच्छाई की, द गुड इज रिवार्डेड, और अच्छाई की क्या होती है जीत होती है, द इविल इज पनिश्ड, बुराई की क्या होती है इविल इज पनिश्ड, बुराई की हार होती है, एंड द गुड इज पनिश्ड, और अच्छाई की क्या होती है जीत होती है इन द एंड, कब, अंत में, ठीक ना, अंत में। तो यहाँ तक पूरा क्लियर हुआ, मैंने अर्थ को एकदम क्लियरिटी से बताया, सबको पसंद आया, सबको मजा आया, प्लीज सभी लोग कमेंट्स करेंगे सबको मजा आया, चलिए आगे चलेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। कंक्लूजन सबसे लास्ट हेडिंग है और आराम से कंक्लूजन समझेंगे, कंक्लूजन मतलब उपसंहार, कंक्लूजन, ड्यू टू ऑल द अबव क्वालिटीज, ड्यू टू ऑल द अबव, ऊपर दिए गए सभी गुणों के कारण, ड्यू मतलब कारण, ऑल द एबव, ऑल मतलब सभी, एबव मतलब ऊपर, क्वालिटीज, ऊपर दिए गए सभी गुणों के कारण द रामचरित मानस इज वेरी पॉपुलर इन इंडिया, रामचरित मानस भारत में बहुत क्या है प्रसिद्ध है, वेरी पॉपुलर, बहुत क्या है प्रसिद्ध है, इट इज वाइडली, इट मीन्स या इट मीन्स है वाइडली रीड, पढ़ने वाला विद डिवोशन, इसे बहुत सारे लोग पढ़ते हैं विद डिवोशन, डिवोशन मतलब होता है श्रद्धा के साथ, भक्ति विश्वास, डिवोशन मतलब होता है समर्पण, समर्पण के साथ, श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ इसे पढ़ते हैं, द हिंदूज वर्शिप इट, और हिंदू लोग वर्शिप इट, इसकी क्या करते हैं पूजा करते हैं, इट इज आल्सो नोन एज द रामायण, जिसे किसके नाम से, जिसे रामायण के नाम से जाना जाता है, इट इज आल्सो नोन एज द, जिसे रामायण, आई लाइक इट वेरी मच, इसीलिए मैं इसको बहुत पसंद करता हूँ, आई रीड इट एवरी डे, और मैं इसे प्रत्येक दिन क्या करता हूँ पढ़ता हूँ, ठीक है। तो ये पहला ऐसे था, ये अर्थ समझ में आया, मैंने पांच हेडिंग बताया, पांचों हेडिंग का एक एक पॉइंट का मैंने एक्सप्लेन किया, जिसका अर्थ नहीं आया हो आप उसे हमें कमेंट कर सकते हैं, लेकिन वीडियोज को एक से दो बार सभी लोग देखेंगे, वीडियोज बहुत बड़ी नहीं बना रहा हूँ, 10 से 12 मिनट 15 मिनट, ऐसा क्यों, क्योंकि आप कभी भी पेपर देने जाने के लिए बैठे तो फटाफट फटाफट एक एक वीडियो 10-10 मिनट की, अगर 10-10 मिनट की एक घंटे वीडियो चलाएं, कम से कम मेरी 6 वीडियो से 7 वीडियो देख लेंगे, और आपको 6 वीडियो 7 वीडियो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये 6 बजे क्लास है और दूसरी क्लास 7 बजे है, सभी लोग पूरे लोग लाइव रहेंगे प्लीज। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो जरा सा भी मजा आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और शेयर, ग्रुप वगैरह सभी जगह शेयर करें, और अगर अभी भी चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।